रंगसा नि तक संग हूक संग नरक टाइट दंग तबुक टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल। गुड आफ्टरनून सबको, मेरे तरफ से खुलुंखा जी भाई नमस्ते। मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूं टू मेक अ स्टेटमेंट। जैसे आपने सब देखा है, मैं सबसे पहले पूरे त्रिपुरा के वोटर्स को जिन्होंने मेरी बहन को वोट किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेलाइनो हम्बाई, आपने हमारा कैंडिडेट को सपोर्ट किया और जिताया, उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने बहुत सोच समझ के एक जॉइंट कैंडिडेट दिया था जो तिपरासा का बात दिल्ली में रखे, और मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो हमारा फाइट है, जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है, वो बात को अगर दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर और होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर अपने सम्मान से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो मेरी बहन जो अभी आपके वोट से ईस्ट त्रिपुरा से जीती है वो उसको रखेगी और मैं भी उनके साथ रहूंगा। दूसरा बात है कि मैं अपने सब वॉरियर्स को एक अपील करना चाहता हूं। आज हम लोग जीते हैं, आज हम लोग जीते हैं और कोई और हारा है। पहले हम लोग हारते थे और कोई और जीतता था, हार जीत रहेगा, लेकिन जिसने आज कांग्रेस को वोट किया है, जिसने आज सीपीएम को वोट किया है, जिसने आज इंडिपेंडेंट या नोटा किया है, वो भी हमारे तिपरासा लोग। हमारा फाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए है, हमारा अधिकार के लिए है, हमारे गरीब बुकुंबारा तिपरासा के लिए है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे यूथ के लिए। और अगर आज जीतने के बाद आपने जो तिपरासा जिसने सीपीएम को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया या इंडिपेंडेंट को वोट किया, उनके ऊपर अगर आप आक्रमण करते हो, उनके साथ आप फाइटिंग करते हो, तो नुकसान हमारा कम्युनिटी का है। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमारा राइट्स मिलेगा, तो ये सिर्फ मोथा या बीजेपी का तिपरासा के लिए नहीं, ये पूरे जाति के लिए। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जाति से बड़ा कोई पार्टी हो ही नहीं सकता। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि कुछ फाइट हुआ, जब तिपरासा तिपरासा को मारता है और लोग आके मुझे कहते हैं, अरे बुबागरा वो तो सीपीएम का था, वो कांग्रेस का था, वो यहां का था, वो भी हमारा ही तिपरासा है। ये ध्यान रखे चलिए कि हम लोग सिर्फ 30% है, और अगर 30% एक दूसरे के संग फाइट करते रहे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूं इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है, पूरे इंडिया में क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि हमें अधिकार चाहिए, हमें डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमें हमारा स्क्रिप्ट चाहिए, हमारा बॉर्डर्स को सुरक्षित होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन में हमारा जो डिमांड है, तिपरासा तिपराहा का जो डिमांड है, उसको हमको चाहिए। और उसको हम अब दिल्ली जाकर, क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, हम दिल्ली जाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निगोशिएट करेंगे। और मैंने ये पहले से भी कहा है और आज भी कहूंगा कि हमारा गोल बहुत क्लियर है, आई एम विथ ओनली दोज हु वॉन्ट टू हेल्प माई पीपल एंड माई कम्युनिटी। माई एम इज टू प्रोटेक्ट आर पीपल एंड फाइट फॉर आर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। मैं इतने दिन से चुप रहा क्योंकि समय कहता है कौन से समय किसी को कुछ बोलना चाहिए और कौन से समय किसी को चुप रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने तिपरासा को बोलता हूं, दिमाग से लड़ो, बल से मत लड़ो। आपने वोट किया है, आपने हमें जिताया है, हम बस थैंक यू। अब समय नहीं है फाइट करने के लिए, अब समय नहीं है कि भाई भाई को फाइट करे, परिवार परिवार से फाइट करे, अपने काम ही में आप किसी के ऊपर अटैक करें, किसी के दुकान को जलाए, इससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे हम कमजोर होंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है
तो हमें एक होकर एक आवाज में, एक आवाज में, नॉट एज मथा और बीजेपी बट एज तिपरा सर, एज यू मे बी इन एनी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, आईपीएफटी, आईएनपीटी, इंडिपेंडेंट, वट एवर पार्टी, वी हैव टू स्पीक एज वन, ओनली देन वी कैन अचीव समथिंग. 2025-26 में डिलिमिटेशन है, उससे पहले हमको कुछ चाहिए. आज अगर लोग हमारे जमीन में आकर, हमारे फॉरेस्ट में आकर सेटल हो जाते हैं, हम उनको हटा नहीं सकते हैं. उसके लिए कानून चाहिए. आज हमारे बच्चे लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमें कानून चाहिए. आज अगर एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आता है और हम आपको नौकरी दे सकते हैं, सिर्फ भाषण नहीं नौकरी दे सकते हैं, उसके लिए कानून चाहिए. और आज अगर हमें कुछ चाहिए तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, स्टॉप थिंकिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज, स्टार्ट थिंकिंग एज अ जाति, नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर द फ्यूचर ऑफ अ पीपल. बहुत लोगों को कुछ लगता होगा कि मैं इतने दिन तक चुप क्यों था. चुप इसलिए हूं क्योंकि राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट टाइम में अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है. फिर से दलाई नो हम भाई, आज पूरे इंडिया में रिजल्ट्स आ रहा है. अब देखते हैं कि आने वाले एक दो घंटे में क्या होगा. जो जीते हैं मैं सबको थैंक यू, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं. जो हमारे विरोधी भी हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं. जिसने हमें गाली दिया लेकिन आज वो जीत रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं. क्योंकि इलेक्शंस खत्म हो चुका है, हमारे देश को आगे जाना है. और अगर देश को आगे जाना है तो हमें सोच समझ के अपना निर्णय और अपना थिंकिंग को आगे ले जाना है. अंत में मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, जो हमारा डिमांड है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा. उसके लिए हमें एक लंबा फाइट करना पड़ेगा. और लंबा फाइट करने के लिए आपको दो चीज का दरकार होना चाहिए, एक पेशेंस और दूसरा आपको लालच नहीं रखना. आज के लालच के लिए कल का भविष्य हम खो नहीं सकते. इसके लिए जो भी करूंगा लोगों के लिए करूंगा, जो भी करूंगा दोहा के लिए करूंगा, और जो भी करूंगा अपने इंटरेस्ट के लिए करूंगा, हमारे लोगों का इंटरेस्ट के लिए करूंगा. यही मैं बोलना चाहता हूं. बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुमखा, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी वायलेंस. यहां में हमारे जो सीपीएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जिनको आज कुछ डर होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं और मैं अपने वॉरियर्स को भी बोल रहा हूं, ऐसा कुछ मत करो जिससे कम्युनिटी कमजोर. वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे लोग हैं, और इस वायलेंस से नुकसान हमारे ही होगा. मैं जो बोल रहा हूं बहुत गहरा बात बोल रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए और किसी के बात सुनकर वायलेंस मत कीजिए. बेलाइनो हम बाय खुलुमखा. थैंक यू.